चला है ये तो। ए भाई किधर जा रहा है? कने भी दो यार रह ले। ओहो, लगता है मुझे यहाँ से ये क्रॉस करके चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। तो आज और एक नए ठिकाने ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। आज की जो राइड है ये प्री प्लान नहीं थी, कल ही राइड का शाम को प्लान हो गया और ऐसा डिसाइड किया है कि वाड़ा जव्वार उस साइड जाएंगे। एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे जाना है, क्या करना है, कुछ भी डिसाइड नहीं है। अभी समय हो रहा है 5:15 और मैं निकला हूँ ऐरोली से थाना जाऊंगा। थाना में दो राइडर मिलने वाले हैं और एक राइडर जो है वो भिवंडी बाईपास मिलने वाला है। ऐसे हम 4 लोग आज वाड़ा और जव्वार की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कहां तक जाते हैं और क्या क्या देखते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए दोस्तों, ये है ट्रैफिक का हाल। सुबह 6:15 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे खारी गांव का खाड़ी ब्रिज है उसके ऊपर है हम लोग। 7 वाड़ा पहुंचने का था लेकिन अभी तक हम लोग जस्ट भिवंडी के बाहर निकले क्योंकि ये जो पवन जी है ना ये आधा घंटा दे रहा है और वो भी विदाउट पेट्रोल आए। प्लीज़ योर नेम? नीलेश। इनको तो आप पहचानते हैं। ये सागर जी, इन्होंने भी फ्यूल नहीं डाला था, इनकी वजह से भी 15 लेट हो गया, उसकी वजह से 40 लेट हो गया, तो 1 ऐसे ही चला गया। तो अभी यहाँ से तुरंत निकलते हैं और पहुँचते वाड़ा। दोस्तों तो आप देख रहे हैं वाड़ा भिवंडी रोड का हाल कैसा है। ये रोड की हालत है, ये बहुत सालों से ऐसी ही है, यहाँ की पूरी पब्लिक परेशान हो गई है लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखिए ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं क्योंकि वो साइड का रोड जो है बंद रखा है ट्रैफिक के लिए और इसी की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और जान माल का नुकसान होता है। अभी बज रहा है 8:15 और हम लोग पहुँच गए वाड़ा। वाड़ा की कुछ चीज़ें फेमस है, जैसे कि आप सबको पता होगा वाड़ा कोलम जो राइस आता है वो यही वाड़ा का है और यहाँ के किसान भाई अच्छी मात्रा में उसका उत्पादन लेते हैं। और वाड़ा की और एक दो बातें फेमस है, वो है वाड़ा का वड़ा पाव और वाड़ा का पट्टी समोसा। तो हम लोग थोड़ा जाके वड़ा पाव और पट्टी समोसा का स्वाद ले लेते हैं। आप अगर कभी आते हो वाड़ा में तो इसको मिस नहीं करना। वाड़ा से जव्हार जाने के लिए जो स्ट्रेट रोड है वो रोड हम लोगों ने चूज़ नहीं किया है। हम लोग ये वाड़ा से जो त्र्यंबकेश्वरी रोड जाता है वो रोड पकड़ के आए हैं। अभी यहाँ से हम लोग ले लेंगे लेफ्ट टर्न क्योंकि मेरे नेटिव प्लेस जाना है। ये सिंगल रोड है लेकिन अच्छा है। ये देखिए ये आ गया वाटर क्रॉसिंग, ऐसा समझिए कि लद्दाख की प्रैक्टिस हो रही है। एक्चुअली हम लोगों ने लद्दाख का ट्रिप प्लान किया है, नेक्स्ट मंथ हम लोग लद्दाख जा रहे हैं। तो वहाँ जाने से पहले सब लोगों ने कुछ एसेसरीज बाय किया, कुछ सेफ्टी गियर्स बाय किए, तो एटलीस्ट जाने से पहले एक बार उसका इस्तेमाल करके उसके साथ अलाइन होने का था, यूज टू होने का था, इसीलिए आज का राइड हम लोगों ने प्लान किया। वैसे ये राइड पहले से कुछ प्लान नहीं था, सडनली कल ही बातचीत हो गई और तय किया कि जाते हैं और इसीलिए हम लोगों ने ये रोड चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे कच्चा रोड मिलेगा, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो जाएगा, घाट सेक्शन मिलेगा तो एटलीस्ट तो कह सकते हैं कि थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ही वो बात किया था ना मैंने वाड़ा कोलम का, उसका प्रोडक्शन यही फील्ड में होता है। ये देखिए पूरा राइस फील्ड है। हाँ
वाड़ा से जिस रास्ते से हम लोग आए थे वहाँ से गुजर के आगे आने के बाद एक परली गांव आता है, परली से जस्ट आगे आके हम लोग अगर लेफ्ट ले लेते तो ये रास्ते से हम लोग गुजर जाएंगे और ये रास्ता सीधा हमें जवहर लेके जाएगा और मोखाड़ा भी यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं जवहर को बाईपास करके। मुझे लगता है कि कोई ब्लॉगर ये रोड पे गया नहीं होगा अभी तक और ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप, कोई अकोमोडेशन की व्यवस्था या कोई फूड की व्यवस्था नहीं है। अगर आप आते हैं तो ये सब खाने पीने का चीज़ आप साथ में लेके आई है और यहाँ पे कोई गैरेज का फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन रास्ता एकदम मक्खन है आप अभी देखेंगे और यही एक रीज़न था इस रास्ते से आने का। ट्रैफिक का भी कुछ झंझट नहीं है लेकिन यहाँ पे गाड़ी स्लिप होने का बहुत चांस है। ये देखिए कैसा स्लीपर ही हो गया है, ये देखिए। अभी हम यहाँ से सीधा जवहर तक जाएंगे, बीच में एक अच्छा सा रिवर साइड रोड आता है वहाँ पे भी थोड़ा देर रुकेंगे, उस नज़ारे का भी लुत्फ़ उठाएंगे और उसके बाद सीधा जवहर। जवहर के आगे एग्जैक्टली कहाँ जाना है वहाँ जाके ही तय करेंगे, लेकिन जवहर पर पहुँचने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवहर कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। एक सबसे पहली बात तो ये राजे रजवाड़ों का गांव है, यहाँ के जो राजा थे मुकनी राजा आदिवासी कोली समाज के, उसके लिए फेमस है। दूसरी बात, जवहर एक ट्राइबल एरिया है तो यहाँ का आदिवासी पेंटिंग वारली पेंटिंग ये भी बहुत फेमस है। आजकल बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है एज शो पीस करके। दूसरी बात ये एरिया की ये है कि ये पूरा आदिवासी इलाका है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोग आदिवासी हैं और बाकी कुछ दूसरे समाज के हैं। तो आदिवासी का जो नृत्य होता है तारपा नृत्य वो भी यहाँ का बहुत फेमस है, आपने देखा होगा। जैसा कि मैंने बताया जवहर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वैसे ही जवहर एक हिल स्टेशन भी है और इसे पालघर डिस्ट्रिक्ट का महाबलेश्वर कहा जाता है। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी जवहर के बारे में। ये देखिए ये छोटा सा घाट है और यहाँ दोनों तरफा देख सकते हैं आप कि कितना घना जंगल है। तो बारिश में क्या होता है कि बारिश के समय तो पानी रोड पर आता ही है, लेकिन बारिश जाने के बाद भी ये पेड़ से टपका हुआ पानी रोड पर गिरते रहता है और ये हमेशा गीला रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे स्लीपर ही होता है हमेशा गीला रहने के बाद। आप देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे तो ये पूरा ग्रीन हुआ है रोड के साइड में। तो अगर बारिश के मौसम में आप यहाँ आते हैं तो सावधानी बरतिएगा। ये देखिए बारिश के पानी की वजह से सब बह गया है, इसीलिए थोड़ा स्पीड कंट्रोल में रखिएगा। सडनली कोई अगर ऐसा पैच आ जाता है तो कोई दिक्कत ना आ जाए। ये देखिए ये राइस फील्ड है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। जिस एरिया से अभी हम लोग गुजर रहे हैं ये पूरा ट्राइबल एरिया है और मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई संस्था है जो चैरिटी कर रही है तो इस इलाके में आइएगा। यहाँ के बच्चों के लिए कोई एजुकेशन की सुविधा या फिर कोई एजुकेशन मटेरियल या फिर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जैसी सुविधा कोई गांव में नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपके संस्था के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, थैंक्स इन एडवांस। ये देखिए रोड है, रोड के बाजू में नदी जा रही है ना, लद्दाख वाला फील। मैं तो अभी गया नहीं हूँ लद्दाख में, नेक्स्ट मंथ जाने का प्लानिंग है, लेकिन अभी अभी ऐसा वैसा ही फील आ रहा है मुझे जो भी मैंने कुछ ब्लॉगर्स के वीडियोस देखे। तो अभी आगे जाएंगे तो वो नज़ारा इससे भी अच्छा रहेगा। ये देखिए नज़ारे, ये पहाड़, ये रास्ता, ये नदी और ये आ गया शार्प टर्न।
ये देखिए, ये है ऐसा यहाँ का नज़ारा। और जो मैंने बोला था आदिवासी लोगों के बारे में, तो ये यहाँ के लोकल लोग, ये है उनका पहराव। भाई लोगों से भी पूछते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। भाई लोग कैसा है नज़ारा, क्या फील आ रहा है? अरे क्या बात है, हाँ बारिश थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये देखिए, ये है यहाँ के लोकल लोगों के घर, एक छोटा सा गांव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर का डिज़ाइन कैसे होता है, एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। मोस्टली आपको यही डिज़ाइन के घर मिलेंगे। और ये है, ये जो पुराने ज़माने के घर हैं, इसका जो वॉल है वो आप देख सकते हैं कैसे है, ये लकड़ी गोबर और मिट्टी से बनाया हुआ है। अभी हम लोग घाट सेक्शन से गुजरने वाले हैं। ये घाट सेक्शन थोड़ा टफ है। आप देखिए कि वहाँ पे कितने बेंड आते हैं, कुछ जगह पे रोड का विड्थ भी बहुत कम हुआ है और ये बहुत स्लिपरी हुआ है। ये देखिए, मिट्टी बह के आई है रोड पे और इसकी वजह से गाड़ियाँ यहाँ पे फिसलती हैं। तो पहला लेसन पवन जी को मिल गया कि अगर स्टीप है और उधर टर्न भी शार्प है तो कौन से गियर में कितने स्पीड में गाड़ी लेके जानी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे भी बह गया है रास्ता। अभी माहौल जो है बारिश का बन गया है। मुझे लगता है कि अपना गोप्रो निकाल के रखना बेहतर होगा। ओ ओ ओ ओ, ओ। गाड़ी स्लिप हो गया थोड़ा सा। इस लाल मिट्टी की वजह से गाड़ी स्लिप हो रही है। ये देखिए, यहाँ तो पूरा ढह गया है। घाट सेक्शन ख़त्म होके हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं और अभी बारिश भी रुक गई है। और मैं यहाँ का गांव दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इतना ही बड़ा गांव है। मुझे लगता है 40 से 50 घर होंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि 200 लोगों की आबादी होगी इस गांव की। ए भाई किधर जा रहा है? कने भी दो यार रह ले। पैसा निकालो, हफ्ता निकालो। आगे जाने का है मेरे। ये देखो, ये देखा, एक है मेरे को लद्दाख जाने का है। ये देखा, चाहिए दे दो जल्दी। नहीं नहीं साहब, क्या का है वो बैग में, क्या है निकालो बैग में क्या? अरे नहीं बाबा, वो मत दे दो, उतना मत दे दो, अंदर भी छोटा होएगा तुमको। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये संगम है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक पानी की धार यहाँ से आई है और दूसरी जो धार है यहाँ से आ रही है और ये दोनों का संगम होके एक छोटी सी नदी यहाँ पे नीचे जा रही है। और ये लोकेशन इतना अच्छा है कि देखिए ऊपर से रास्ता आ रहा है और यहाँ जहाँ जिस जगह पे संगम हो रहा है वहीं पे इसका यू टर्न है, बिल्कुल हेयर पिन जैसा यू टर्न है। और ये यहाँ आगे वाड़ा की तरफ जा रहा है, ये जवार से आता है वाड़ा की तरफ जाता है। तो ये एक अच्छा लोकेशन मिला हम लोगों को फैमिली के साथ आके यहाँ एंजॉय करके चले जाने का। और अगर हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं तो पानी का बहाव उतना तेज़ नहीं लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि 2-3 फीट से ज़्यादा इसकी डेप्थ होगी। तो यहाँ पे कोई रिस्क मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, अगर बारिश तेज़ हो रही है और ये पूरा भर के पानी यहाँ तक अगर आता है तो अच्छा। तू देखने के लिए आया था क्या कभी? हाँ, ये देखो, ये यहाँ का लोकल है। हाँ, काउबॉय है, लोकल है।
ये देखो ये सब फोटो सेशन के लिए चल रहे हैं, ये देखिए सब फोटो सेशन के लिए चल रहे हैं। तो आप भी यहाँ आइए इस लोकेशन पे और एंजॉय कीजिए। अरे 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 ये क्या कर रहा है, स्टंट कर रहा है देखो। ओहो लगता है मुझे यहाँ से ये क्रॉस करके चला जाएगा। अरे नहीं 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 रुक गया, इधर रुक गया। बीच में ही बारिश आ गई, सब राइडर रुक गए, अपना अपना रेनकोट पहन रहे हैं, कोई भी भीगना नहीं चाहता, अपना अपने सेहत का ख्याल रख रहे क्योंकि जल्द ही लद्दाख जाने का है। अभी समय हो रहा है 12:20 और अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग जव्हार पहुंच जाएंगे। जव्हार पहुंचने के लिए मुंबई से ठाणे से बस की सुविधा उपलब्ध है, वैसे ही पालघर डहाणू और नासिक इगतपुरी इस लोकेशन से बस की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सीधा सीधा जव्हार आने के लिए ट्रेन की कोई भी सुविधा नहीं है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय रोड ही आ जाइए, इधर स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करिए या अपना पर्सनल व्हीकल लेके आइए। जव्हार की दूरी मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर है, नासिक से लगभग 100 किलोमीटर और पालघर और डहाणू से 70-80 किलोमीटर की है। जव्हार मेरे लिए नया जगह नहीं है, यहाँ पे मैं 2 साल काटे हुए हैं। जब मेरा एजुकेशन चल रहा था तब मैं ITI में जव्हार में ही था और यहाँ के सब लोकेशंस मुझे पता है, लेकिन आज पहुँचते पहुँचते देर हो गई है इसीलिए सब लोकेशंस तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी हो सकेंगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और बाकी बचे हुए नेक्स्ट टाइम ज़रूर आके एक्सप्लोर करेंगे। इस वादे के साथ मैं ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपको गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।